मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, दुनिया में सबसे सरल काम क्या है और सबसे कठिन काम क्या है? जिस काम के लिए न पढ़ाई लिखाई की जरूरत, न बहुत बुद्धि की जरूरत, न रुपये पैसे की जरूरत, न पद प्रतिष्ठा की जरूरत, न बहुत लोगों के सहयोग की जरूरत, बिना पैसे के, बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना पद प्रतिष्ठा के, बिना लोगों के सहयोग के जो काम है, वो सबसे सरल काम क्या है? वह काम है आत्मकल्याण का काम। दुनिया के जितने भी काम हैं उसमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें पैसे की आवश्यकता ना पड़ती। देखो, ये कुंभ का आयोजन, इतना बड़ा कैंप, बिना पैसे के कैसे हो सकता था? आप लोग यहाँ आए हैं अपने घर से चलकर, पैसे न होते तो ट्रेन में बस में बैठते कैसे? बिना पैसे का कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन कल्याण के लिए, आत्मशांति के लिए, मोक्ष के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु पैसे का मोह छोड़कर, पैसे का लोभ छोड़कर ही, पैसे का त्याग करके ही कल्याण होगा। पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो नौकरी नहीं मिल सकती आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनपढ़ आदमी कल्याण का काम नहीं कर सकेगा। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कल्याण का काम कर सकता है। पद की भी जरूरत नहीं है। पद आपके पास है तो अधिकार मिलेगा, शासन मिलेगा और सेवा कर सकते हैं आप। लेकिन कल्याण की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिष्ठा, जिसे कोई भी ना जानता हो, वह भी कल्याण कर सकता है। बंधन और मोक्ष दोनों ऐसे काम हैं जिसके लिए पढ़ाई लिखाई के, रुपये पैसे की, पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। चाहे हम बिगाड़े चाहे बनाएं, लेकिन कल्याण का काम सबसे कठिन क्यों लगता है? इसलिए कि हमारी आदत बिगड़ी हुई है, अभ्यास गलत है, प्रवृत्ति गलत है, दिशा गलत है। इन सब कारणों से कल्याण का काम बहुत कठिन लगता है। प्रवृत्ति बदल दें, दिशा बदल दें, अभ्यास नया बना लें, बस कल्याण बहुत सरल। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता, साहब क्या करूं, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं, मुक्ति का काम कैसे कर सकता हूं? नहीं, कितना गरीब आप हो मुक्ति का काम कर सकते हैं, कितने अनपढ़ हो मुक्ति का काम कर सकते हैं। बंधन भी बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वैसे कई बार लोग कहते, साहब हम तुम्हारे पास तो बुद्धि नहीं है, हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं, कल्याण का काम कैसे कर सकते हैं? उनसे कहा जाता है, कभी ये शिकायत की हो, तुम ये तो शिकायत कर रहे हो, साहब हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, कल्याण का काम कैसे किए हो? आज तक कभी शिकायत किए हो किसी से, कुछ कहे हो, साहब हम तो बहुत अनपढ़ हैं, गरीब हैं, हमें गाली देने नहीं आता है?
बिना पढ़े लिखे हम गाली कैसे दें? रुपया पैसा होगा तब तो गाली देना ना सीखेंगे। साहब हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, हमें लड़ना झगड़ना नहीं आता है। अनपढ़ हैं हम, हमें झूठ बोलने नहीं आता है, गुस्सा करने नहीं आता है। जब बिना पढ़े लिखे आप गुस्सा कर सकते हो तो बिना पढ़े लिखे क्षमा कर सकते हो, बिना पढ़े लिखे हिंसा कर सकते हो तो बिना पढ़े लिखे दया भी कर सकते हो, बिना पढ़े लिखे झूठ बोल सकते हो तो बिना पढ़े लिखे सत्य भी बोल सकते हो, बिना पढ़े लिखे किसी की निंदा और बुराई कर सकते हो तो बिना पढ़े लिखे किसी की प्रशंसा भी कर सकते हो, बिना पढ़े लिखे लड़ाई झगड़ा कर सकते हो तो बिना पढ़े लिखे सहन भी कर सकते हो। जो मूल बात है, जितने गलत काम हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा, क्या इनके लिए पढ़ाई लिखाई की और रुपये पैसे की आवश्यकता होती, पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है? ऐसे ही दया के लिए, क्षमा के लिए, त्याग के लिए, वैराग के लिए, प्रेम के लिए, समता के लिए, सहनशीलता के लिए, स्नेह के लिए, सेवा के लिए पैसे की क्या जरूरत? बिना पढ़े लिखे भोग कर सकता है आदमी तो बिना पढ़े लिखे योग भी कर सकता है। सबसे सरल काम इसलिए मैंने कहा है कल्याण का काम, न पैसे की जरूरत, न पढ़ाई लिखाई की जरूरत, न पद प्रतिष्ठा की जरूरत। जरूरत क्या है? लगन की। और लगन पूर्वक अभ्यास करने की। इतना ही नहीं, आप कैसे भी रोगी हों, लूले हों, लंगड़े हों, असाध्य बीमारी से पीड़ित हों, तो भी कल्याण का काम कर सकते हैं। लूले लंगड़े हैं, असक्त हैं, बीमार हैं, आप सेवा नहीं कर सकते। कि सेवा करने के लिए, खेती करने के लिए, नौकरी करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। सेवा करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है, लेकिन कल्याण के लिए नहीं, बंधन के लिए भी। बीमारी में बंधन बना सकते हैं, बीमारी में मोक्ष का काम कर सकते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति है, असाध्य बीमारी से पीड़ित, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब हो रही, उठ बैठ नहीं सकता हुआ, उसी बिस्तर पर, उसी असाध्य बीमारी में वह कल्याण का काम कर सकता है। कल्याण का काम तन की अपेक्षा मन से ज्यादा होता है। तन से तो सेवा होगी, लेकिन वैराग्य मन से होगा। असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, उठ बैठ नहीं सकते, सोचे जिस शरीर के लिए मैं इतना दौड़ धूप करता था, जिस शरीर की सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें खाता पीता था, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए मैंने बड़ा बड़ा अनर्थ का काम किया, आज उसी शरीर ने मुझे इतना लाचार बना दिया, इसी मलमूत्र में मुझे पड़े रहना पड़ रहा है, दूसरों के अधीन होना पड़ रहा है, दूसरों की कृपा पर मैं पल रहा हूँ, दूसरे मुझे भोजन कराए तो मैं भोजन कर सकता हूँ, पानी पिला सकता हूँ, कितनी व्यवस्था इस शरीर में है। अब ऐसी व्यवस्था का घर, ऐसे रोग का घर, लाचारी का घर, दुख का घर शरीर में मुझे नहीं आना है। उसी अधाध में पड़े पड़े शरीर के मोह छोड़ दो, फिर भी शरीर में नहीं आना पड़ेगा, कल्याण का काम हो जाएगा। क्या लगेगा इसके लिए? लेकिन बूढ़ा व्यक्ति, असाध बीमारी पीड़ित, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, मलमूत्र में लिपटा हुआ है, सोच रहा है कि बेटे बहू घर को बिगाड़ ना डाले। अरे बिगाड़ तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्यों चिंता कर रहे हो? बूढ़ा व्यक्ति या बीमार व्यक्ति कल्याण के लिए सोचेगा कि ऐसी दुर्दशा मेरी हो रही है, प्रत्यक्ष
नरक में पड़ा हुआ हूँ। ये हे भगवान, हे गुरु, ऐसी कृपा करो कि इस नरक में मुझे ना आना पड़े, ऐसी चिंता वो कल्पना नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचेगा। सोचेगा कि मेरे नहीं रहने पर घर का क्या होगा, अब अभी भी क्या कर रहे हो, बिचवा पड़े पड़े सोचता है। लोग बूढ़े लोग सोचते हैं कि हमारे नहीं रहने पर पता नहीं घर का क्या होगा, ये बाल बच्चे नाती पोते कैसे जिएंगे, क्या खाए पिएंगे। और बाल बच्चे नाती पोते सोचते हैं ये बाबा कब मरे तो बड़ा खाने को मिले, हमारा घर में अधिकार हो जाए। अरे तुम नहीं रहोगे तो भी दुनिया चल रही है, हमारे पूर्वज कहाँ रहे, बड़े बड़े लोग चले गए, दुनिया तो चल ही रही है। दुनिया चलाने की चिंता ना करें, चिंता करें अपने कल्याण की। लेकिन बूढ़ा नहीं करेगा, बीमार आदमी नहीं पड़ेगा, अनपढ़ आदमी नहीं करेगा। पदे पदे वैराग की शिक्षा, पदे पदे कल्याण की शिक्षा, प्रेरणा मिल रही है। हमारी आंखें खुली हुई हो तो, आंखें ही पर हमने पट्टी बांध रखी है, कोई कितना भी समझाए, सारी सुविधाएं मिल जाए तो हम अपने लिए बंधन बनाने के ही काम कर, जितनी सुविधाएं हमें मिलती है, जितना सुख मिलता है, और सब का उपयोग हम अपने मन को बिगाड़ने के लिए और अपने को बांधने के लिए ही करते हैं। बिरले बिरले सुज्ञ जीव हैं जो सुख सुविधाओं का उपयोग सेवा के लिए और आत्मकल्याण के लिए करते हैं। जैसी स्वस्थता आज प्राप्त है, जैसी सुविधा आज प्राप्त है, कल्याण का पूरा अवसर मिला हुआ है। कल्याण, कल्याण है क्या? आत्मशांति, मन में पूरी तृप्ति, पूरा संतोष, कोई कमी का अनुभव ना हो, खिंचाव ना हो, दुख मुक्त मन, ये तो कल्याण है। कल्याण में कुछ मिलता जुलता है नहीं, बाहर तो कुछ मिलेगा तब कल्याण होगा, कहीं आना जाना नहीं रहता है, किसी में मिलना भी नहीं है। कल्याण तो अपनी असंगता में रह जाना है। अशांति मिट गई, मन पूरी शांति, पूर्ण संतोष, यही तो कल्याण है। इसको सुनकर कल्याण और क्या है? और है बहुत सरल, जहां है वहीं से सोचें, जो मिला है, जीवन की प्रत्येक गतिविधि, जीवन की प्रत्येक क्रिया कल्याण के लिए सोचें, मन को निर्मल बनाने के लिए, आत्मस्वस्थता के लिए करें। देखें कौन रोक सकता है कल्याण को, हमारे कल्याण में, हमारी शांति में यदि कोई रोड़ा है तो हमारे मन के कुछ संस्कार, हमारी अविद्या कह सकते हैं, हमारी विषयाशक्ति, और इसको हमें ही मिटाना होगा। कोई दूसरा हमारे लिए आसक्ति नहीं बना सकता, कोई दूसरे लिए हमारे लिए अविद्या नहीं बना सकता। निमित्त तो रहेंगे बाहर सब समय, उपादान तो हमारे मन में है। उपादान क्या है? ये विषयाशक्ति, आसक्ति, लोभ। लोभ मिट जाए, किसी का भी लोभ हो, धन का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, मान सम्मान का लोभ, गुरुवाई महंती का लोभ, परिवार का लोभ, लोभ तो किसी का भी, कुछ कभी हो सकता है, कहीं भी लोभ आया बस बंध गए, अब दुखी होना है। इसीलिए कहा गया है लोभ पाप का बाप है, और लोभ हर जगह जगह बना लेता है, हर क्षेत्र में जगह बना लेता है। जैसे धन का लोभ भटकाता है,
ऐसे ही पद प्रतिष्ठा का लोभ, मान सम्मान का लोभ और भटकाता है। धन के लोभ की अपेक्षा मान सम्मान का लोभ ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। इसमें तो लगता है ये तो कल्याण में सहायक है, पद मिला है, गुरुवाई मिली है, महंती मिली है, कहीं के कुछ अधिकार मिला है, तो सेवा करने के लिए है। जो बने सेवा करें, जिम्मेदारी का पालन करें, उसका अहंकार न करें। और बढ़े और बढ़े और बढ़े, इतने लोग मेरी पूजा करें, इतने लोग मेरी सेवा करें, ये लोभ आया कि बस नरक में डूबते चले जाएंगे, बंधन में बंधते चले जाएंगे। साधु मार्ग में, चाहे वो साधु किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, साधक है, उसके लिए ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भयंकर रोड़ा है। काम वासना की अपेक्षा ये मान सम्मान की वासना ज्यादा भयंकर है। अभी समझ में नहीं आता है, संसारिक भोग में आदमी पड़ा हुआ है, लोग कहते हैं अरे बिशी पामर आदमी है, लेकिन मान सम्मान की वासना में पड़ा हुआ को लगते हैं बड़े पूज्य है, बड़े बड़े महंत हैं, बड़े गुरु हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर हैं। लोग वहां कीर्ति करते हैं, अब मन फूलता चला जाता है। इसीलिए हमारे गुरु जी कहा करते थे कि गुरु बनना नरक का द्वार है, नरक में जाना है। क्यों? अंदर से गुरुत्व तो आता नहीं, अपने में गंभीरता आती नहीं है, बस प्रशंसा मिलती गई, प्रतिष्ठा मिलती गई, शिष्य बढ़ते गए, मठ बढ़ते गए, उन्हीं के लोभ मोह में फंसते चले गए। इस पर किसी ने ये जो गुरु हैं, महंत हैं, या अन्य और जो बड़े पूजनीय व्यक्ति हैं, उन पर बड़ा बढ़िया व्यंग किया है। और व्यंग क्या है, एक हकीकत है, सावधानी भी इसमें कहा है, जब ते मान बड़ाई आई तब से किस्मत फूटी, बड़ी विपत्ति महंती आई, लगन राम से छूटी। अब फिर तो अब महंती को संभालना है ना, महंती सुरक्षित बनी रहे, गुरुवाय सुरक्षित बने, इसके लिए प्रयास करना है। भजन करके क्या करेंगे, अब तो जो पाना था पा गए, भजन जिसके लिए घर छोड़े वो खत्म। अब ये चिंता हो गई कि महंती कैसी बनी रहे, वहां भी भटक गए। मैं कह रहा था कि जो कुछ मिला है हम सब का उपयोग कल्याण के लिए कर सकते हैं, और कल्याण बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। इतने लोग मिलेंगे तब मैं कल्याण कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। बाहर की जो चीजें हैं, दुनिया की चीजें, उनमें बड़ी व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है, असंभव। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सर्वथा असंभव है, लेकिन कल्याण असंभव नहीं है। जैसे यहां हम लोग जितने लोग बैठे हैं, थोड़े लोग जितने भी लोग हों, हम लोग जितने लोग बैठे हैं, सब के सब यदि हम लोग ये सोचें कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो संभव ही नहीं है। कम से कम हम लोग तो बन ही नहीं सकते, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम सब के सब भारत प्रधानमंत्री बन जाए, संभव नहीं, क्योंकि एक समय में भारत का प्रधानमंत्री एक ही व्यक्ति होगा, दो व्यक्ति भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। एक समय में एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा, और हम सब के सब सोचे कि एक साथ प्रधानमंत्री बन जाए, संभव कैसे है, सर्वथा असंभव। प्रधानमंत्री की तो बातें छोड़ दो, ये सोच लें हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए सबके सब, तो भी संभव नहीं है। अब क्योंकि प्रदेश में एक ही मुख्यमंत्री होगा, वो भी हटा दो। हम सब के सब सोचें कि हम लोग इलाहाबाद नगर निगम के चेयरमैन बन जाएं, महापौर बन जाएं, तो भी संभव है, क्योंकि एक समय में एक ही व्यक्ति महापौर बनेगा। अरे ये तो छोड़ दो कि सोचे कि हम जिस वार्ड में रहते हैं वहां सब के सब एक साथ
वहाँ के सभासद या पार्षद बन जाए तो भी संभव नहीं है। कितना असंभव है, कितना कठिन है, वह कठिन नहीं असंभव। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि हम सब के सब सोच लें, उसके लिए पूरा डूब जाए, अपने मन को समर्पित कर दें कि हमें अपने कल्याण करना है, कौन सी बाधा है। जितने लोग बैठे हैं सब के सब मन से वासना का त्याग कर दें, सब कल्याण हो गया। यहां यह शिकायत नहीं होती क्या करें साहब, मैं बराक तो करना चाहता हूं लेकिन फलाने फलाने बराक कर लिया, मेरे लिए बराक बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है साहब, मैं भी तो दया करना चाहता हूं लेकिन 10-20 आदमी ने मिलकर दया को बांट लिया, मेरे लिए बची ही नहीं दया। ऐसा शिकायत नहीं कर सकते आप। एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ लोग यदि बराक कर लें तो भी आपके लिए बराक पूरा का पूरा बचेगा। दया उतनी ही बचेगी, क्षमा उतनी ही बचेगी, त्याग उतना ही बचेगा, संतोष उतना ही बचेगा, शांति उतनी ही बचेगी, उसमें कभी कमी है ही नहीं। कितना सरल है, कोई स्पर्धा नहीं, कोई भागम भाग नहीं, कितना सरल। कठिन क्यों? आदत बिगड़ी है, दिशा गलत है। जिस रास्ते पर हम चलते आए हैं उस रास्ते पर चलने में सरलता होती है, निश्चिंतता रहती है। जिस रास्ते पर चलना पड़ता है, पहली बार चलना पड़ता है तो भय होता है, चिंता होती है, पता नहीं कैसा रास्ता है, सुनसान है कि बियां बाह है, कुछ डांकू तो नहीं होगा, उबड़ खाबड़ तो नहीं होगा, कोई जानवर तो नहीं मिल जाएगा, चिंता होती है। और जिस रास्ते पर आप चलते, जंगली रास्ता ही हो, उस पर आप रोज आते जाते हो तो आधी रात में चलने में भी आपको भय नहीं होगा, क्योंकि आप परिचित हैं। और सीधी सड़क हो, पहली बार चल रहे हैं तो लगेगा कि कुछ चोर डाकू ना आ जाए। हम अनादिकाल से बंधन के रास्ते पर चलते हैं, राग द्वेष ईर्ष्या घृणा विषय वासना लड़ाई झगड़ा कलह कल्पना काम क्रोध लोभ मोह, इसी रास्ते पर चलते आए हैं, इसलिए इनका हमारा अभ्यास है, इसमें चलने में सरलता लगती है। लेकिन ये रास्ता हमें पहुंचाता कहाँ है? नरक में ले जाता है। दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार त्याग शांति वैराग्य इस रास्ते पर चले नहीं हैं, इसका अभ्यास नहीं है, इसलिए इस रास्ते में चलने में कठिनाई लगती है। और किसी ने कुछ कह दिया तो और दुखी। आज तक ऐसा देखने में नहीं मिला होगा, बहुत कुछ किसी किसी में रेयर मामले में कह सकते हैं, अमुक आदमी ने मुझे ऐसा, मैंने अमुक के लिए ऐसा क्रोध किया और मेरे क्रोध करने से अमुक आदमी ने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, आते कसम खाता हूं कि मैं आते क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। मैं चोरी करता रहा हूं और चोरी करने से मेरा बड़ा अपमान होता है, क्या इसी के लिए मैं चोरी करता हूं? नहीं, वहां से मैं चोरी नहीं करूंगा, कोई चोर ऐसा नहीं सोचता है। मैं व्यभिचार करता रहा हूँ, इसके कारण से मेरी बड़ी दुर्गति हुई है, अमुक लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, वास्तव में व्यभिचार नहीं करता, कोई नहीं कहेगा। लेकिन कोई साधु हो जाए और भगत तोड़ दे, इसी के लिए साधु हुए हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे गुरु के पास। एक आश्रम में एक साधक आया, आए तो गुरु जी ने उसी दिन उनको साधु का वेश दे दिया, अभी साधु बन गए। रात हुई, गुरुजी खाट पर सोए थे एक कमरा में, तो वहीं पर चेला महाराज भी खाट बिछाकर सो गए। तो गुरु ने कहा, अरे तुम चेला हो, साधु हो, गुरु के सामने खाट पर सोना चाहिए? तो कहा कि जमीन पर सोने के लिए, जमीन पर सोने के लिए साधु थोड़े हुए हैं, अरे जमीन पर सोना था तो घर में सो लेते। अब वो गुरु महाराज रहते थे वहाँ पर, बस चेला और गुरु दो जने रहते थे। तो 2-4 दिन तो चेला महाराज ने भोजन बनाया, बर्तन साफ किया, झाड़ू चौंका लगाया, तो सप्ताह भर बाद कहते हैं, गुरु जी देखिए, या तो भोजन मैं बनाऊं और चौंका आप लगाओ, या तो चौंका आप लगाओ भोजन मैं बनाऊंगा,
मैं ही भोजन बनाऊँ, मैं ही बर्तन मांजू, मैं चौका लगाऊँ, ये चलने वाला नहीं है, दो जने हैं तो काम बांट लो। तो गुरु कहे कि मैं तो गुरु हूँ, तुम के मैं तो कैसे करूँगा, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। तो गुरु कहे नहीं, मैं चौका नहीं लगा सकता, बर्तन नहीं मांग सकता। तो गुरु चेला कहा मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। अब लेकिन भूख तो लगेगी, खाने के आए तो क्या करते थे चेला महाराज, आटा तो किसी प्रकार से व्यवस्था कर लेते थे, आटा भिंगाते थे, तवा में रोटी सेंकते थे और सेंक करके रोटी के तवा को चूल्हे पर पलट देते थे, नमान ना संसार में खाली रोटी का नमक खा लेते थे दोनों गुरु महाराज। अब ऐसे लोग साधना करेंगे तो यदि साधु मार्ग में आ गए तो थोड़ा सा कुछ कह दिए, हम नहीं सहन करते कि हमारा अहंकार, हम साधु हो गए, अब हम किसी सुनेंगे नहीं, कोई हमें कुछ, हमें कुछ कह दिया बस महादुखी महादुखी साधना छोड़ बैठे। चोर चोरी का काम नहीं कर छोड़ता, कितनी कठिनाई आए, व्यभिचारी कितना अपमान मिले व्यभिचार नहीं छोड़ पाता है, जुआरी कितनी संकट आता है सब आ जाता जुआ नहीं छोड़ता, शराबी सारी दुर्दशा हो जाती नहीं छोड़ पाता, बंधन के काम में कितनी निश्चयता है क्योंकि उसकी आदत है। कल्याण में साधना क्षेत्र में इस पद पर चले नहीं हैं, इसलिए किसी को कुछ सहने को तैयार नहीं। आए थे हमारे आश्रम में, बहुत पुरानी घटना है, अभी मिलता है, अभी भी मिला था ये जगह, एक साधक आया था, रहा साल दो साल तीन साल रहा, समझाता था बहुत, सतगुरु जी भी समझाते थे, मैं भी समझाता था और संत जो पुराने सीनियर संत भी समझाते थे। एक दिन बहुत दुखी होकर आए मेरे पास, तब हम लोग यहाँ रहते थे प्रीतम नगर में, कबीर नगर में नहीं जाते थे, रहते थे, बना नहीं था वहाँ पर। बहुत दुखी होकर आया था, मैं अमुक साधु ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, मैं कहा भैया ये तो समाज है, समाज में रहना है, कहीं भी रहोगे, घर में रहो, परिवार में रहो, कहीं भी रहो, कहना सुनना तो पड़ेगा ही, कह दिया क्यों दुखी होते हो, समाधान करो, ठीक है वो तुम्हारे कोई बैरी नहीं है, कह दिया वो तुम्हारे हित के लिए ही कहा होगा, नहीं साहब मैं उसकी बात नहीं सुन सकता, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं ऐसी बात नहीं सुन सकता, घर लौट जाऊँगा। मैं कहा कि घर लौट जाओगे तो वहाँ मान लो शादी करोगे, पत्नी आएगी तो सब तुम्हारे मन कल को सब कुछ करेगा, कब हाथ पर व्यस्त नहीं होने। तो उन्होंने छूटते कहा था, साहब पत्नी के जूता सहन कर सकता हूँ, साधु की बात सहन नहीं कर सकता, छूटते ही कहा था, पत्नी के जूता सहन कर सकता हूँ, साधु की बात सहन नहीं कर सकता, तब तो बहुत बहादुर ही चले जाओ, फिर यहाँ चले भी गया वो। क्यों उस वासना के पथ पर बंधन पर चलते आए हैं तो वहाँ कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, त्याग के पथ पर संयम साधना के पथ पर चलते नहीं आए हैं, नया रास्ता लगता है इसलिए कठिनाई है। इस आदत को अपनी सुधार लें, बस थोड़े समय के लिए मन को मार लें, थोड़े समय के लिए सिर झुका लें, कल्याण जैसा सरल तो कुछ है ही नहीं, पूरी स्वस्थता है यहाँ पर, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, और कोई इसमें हिस्सा बटाने वाला नहीं, कितना सरल है, न रुपया चाहिए, न पैसा चाहिए, न तो पद प्रतिष्ठा चाहिए, न लिखाई पढ़ाई चाहिए, मानव मात्र कल्याण का अधिकारी है, आवश्यकता है केवल ध्यान देने की। उसमें करना क्या है, मन की हविष को मिटाना, जो आदत है, जितनी मेहनत हम आदत को बिगाड़ने में करते हैं उतनी मेहनत आदत को सुधारने में कर लें, उतनी मेहनत नहीं लगती है, कम मेहनत लगती है। लोग कहते हैं कि अरे साधु बन गए, जीवन भर मन मारना पड़ता है, मन तो बड़ा रुकता नहीं है, क्या है, ठीक है यार मन मारना पड़ता है, तो क्या गृहस्थी मन नहीं मारना पड़ता, कहाँ मन को नहीं रोकना पड़ता, किसको नहीं रोकना पड़ता है, गृहस्थी में तो और रोकना पड़ता है, साधु है, गुरु मार्ग में, गुरु का आश्रम में चले, गुरु के पास रह रहे हैं, ठीक है पुराने संस्कार उभर गए, लोभ की वासना आ गई, काम की वासना आ गई, मोह की वासना आ गई, थोड़ा सा प्रारंभिक स्थिति में शुरुआत में मन थोड़ा व्याकुल होगा, लेकिन उसको सहन कर लो, बस आदत बनती जाएगी, बस सरलता हो जाएगी। गृहस्थी में ये बताओ, ठीक है वहाँ पर तो वासना पूर्ति का अवसर है, जब मन में काम की वासना आएगी तब तक वो काम भोग कर सकते हो क्या, पत्नी से हर समय मिल सकते हो क्या, इस पत्नी पति से हर समय मिल सकती है, इच्छा पूरी हो सकती है वहाँ पर,
कितना मन मारना पड़ता है, मन को कहाँ नहीं मारना पड़ता है। गृहस्थी में जितना मन को रोकना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, उतना विरक्ति में नहीं करना पड़ता है। लेकिन उस पथ पर चलते हैं अनादिकाल से, इसलिए वहाँ लगता है सरलता। इस पथ पर चले नहीं हैं इसलिए यहाँ लगती है कठिनाई। वो भी है मन की चालाकी। मन यही चाहता है दुनियादारी के पथ पर चलना। थोड़ा सा धीरज रखें, थोड़ा सा मन पर संयम रखें। कल्याण का काम, आत्मशांति का काम, दुख निवृत्ति बंधन निवृत्ति का काम अत्यंत सरल है। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, कोई स्पर्धा यहाँ नहीं है, कोई छीना झपटी यहाँ नहीं है। और मानव मात्र इसके अधिकारी है। मानव मात्र इस जीवन में परम शांति का, परमानंद का अनुभव कर सकता, कल्याण का काम कर सकता है। अब तक जो भूल हुई सो हुई, समय जो बीत गया तो बीत गया और लौट कर आ नहीं सकता। आज से हम निश्चय कर लें कि इसी जीवन में मुझे परम शांति आत्मशांति का अनुभव करना है, इसी जीवन में मुझे दुख निवृत्ति का पूरा काम करना है और भवसागर से पार होना है, तो अभी भी पूरा का पूरा अवसर है। कुछ बाधा नहीं है। बाधा है मन के वही गलत अभ्यास, उसको दूर कर दें। समर्पित होकर के, संतों से गुजनों से प्रेरणा लेकर के, त्याग सेवा संयम साधना के पथ पर चलें, इसी जीवन में परमानंद परम शांति का अनुभव हो सकता है। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।